बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो जनाब, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। हाँ जी, सबको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बेटा, क्या सबको आवाज आ रही मेरी? ठीक हो गया, फाइन। अभी हम बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट प्रोडक्ट पढ़ लेंगे ताकि चैप्टर एक दफा फिनिश हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, चैप्टर खत्म करके फिर हम ये सवालों पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर चैप्टर अभी जल्दी खत्म हो जाता तो मैं आज ही आपको ये लाइक अभी बच्चा ये कह रहा है 7.6 जो भी है, और क्वेश्चन भी हैं हमारे, काफी क्वेश्चन होंगे तो हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो मेरी ये खुशी है कि सिर्फ मैं बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट को एक दफा डिस्कस कर दूं आपसे ना। तो पहली तो बात है कि दोनों डिफरेंस क्या है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाय प्रोडक्ट एंड ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये डिफरेंस पहले मुझे बताया था। मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया भी था, आपने मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस है ना। आवाज में डिस्टोर्शन है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा, बाकी सब लोग बताएं मुझे, सबको आवाज क्लियर आ रही है? जो मैं बोल रहा हूं सबको क्लियर समझ आ रही है? आवाज में कोई डिस्टॉर्शन, एनी इश्यू? आपके साथ मैंने भी स्क्रीन शेयर की है बेटा, कि सबको स्क्रीन नजर आ रही है? चलें जनाब, हम आते हैं अभी। हाँ जी, क्या डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस बताएंगे मुझे क्या हमारे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में और बाय प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस क्या है। पहली बात है कि मैंने बात की थी कि बाय प्रोडक्ट भी बेसिकली ज्वाइंट प्रोडक्ट ही होती है, कहने के वो बाय प्रोडक्ट है लेकिन वो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट की होती है। ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस सेपरेटली, जिसको अलग से बनाया ही नहीं जा सकता, जिनके प्रोसेस की नेचर ही ऐसी है, जिनको हम कंबाइन ही बनाते हैं, जिनको कंबाइन ही बनाया जा सकता है, जिनको सेपरेटली बनाया ही नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं हम? ज्वाइंट प्रोडक्ट्स। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स मेन वैल्यू इनकी जो होती है वो, हाँ बिल्कुल, हसन ने भी बिल्कुल ठीक कहा, एबल खान भी ठीक कह रहे हैं, जनाब सारा अफजल सब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें क्या होता है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा इशू आएगा। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स हमारे पास है, उसको हम अभी पढ़ेंगे और इसकी इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे, फिर हम सवाल पे आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, और काफी क्वेश्चंस भी फिर हम देख रहे होंगे, पास्ट पेपर से भी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, तो मेन डिफरेंस क्या है इनमें? प्राइस का डिफरेंस है, वैल्यू का डिफरेंस है। जो हमारे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट्स होती है इनकी सब्सटेंशियल वैल्यू होती है, अच्छी वैल्यू होती है, प्रॉपर वैल्यू, जिससे ये मार्केट में सेल होती है। बाय प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिनकी प्राइस बहुत लो होती है, जिनकी प्राइस जस्ट लाइक द स्क्रैप होती है, स्क्रैप की तरह होती है। तो बाय प्रोडक्ट जो होती है वो जस्ट लाइक द स्क्रैप, स्क्रैप की तरह होती है, इनकी वैल्यूज, इनकी प्राइसेस बहुत लो होती है, ये स्क्रैप की तरह ट्रीट करी होती है। तो इनको कैसे ट्रीट करेगी, एक तो ये बात, और एक फिर आगे हमारे पास बाकी सारी बातें शुरू हो रही है यहां से ऑनवर्ड। हाँ जी, सवाल यह है कि ये जो हमारे पास जितनी भी, सवाल यह है कि हमारे पास जितने भी ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो वैल्यू पे हमारी सबसे पहले डिस्कशन है, ठीक हो गया। एक मिनट बेटा, जस्ट रिमोट किलर है,
अच्छा जी, तो वैल्यू कैसे फाइंड करें इसके? अब हम एक तो है कि ज्वाइंट प्रोडक्ट्स का ट्रीटमेंट क्या है, इनके कुछ ट्रीटमेंट्स होंगे हमारे पास, इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तीन मेथड होंगे हमारे पास। और एक है होगा हमारे पास कि ये जो बाय प्रोडक्ट इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसके भी आगे फर्दर थ्री मेथड होंगे, हम इनको किस किस तरह से ट्रीट करवा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको ट्रीट करवा रहे होंगे यहाँ पे। जस्ट वेट वन मिनट, मैं एक मिनट देख लूंगा बेटा। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स में एक बात तो क्लियर होगी हमें कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। हमने कहा एक की सब्सटेंशियल वैल्यू है, दूसरे की हमारे पास जस्ट लाइक द सक्राया वैल्यू ही होती है। एक की सब्सटेंशियल वैल्यू है, दूसरे की सक्राया की तरह ही होती है, तो ये इनमें एक मेन डिफरेंस है इनके अंदर, वैल्यू का मेन डिफरेंस इनके अंदर। अच्छा जी, एक मिनट जस्ट बेटा। अच्छा, इसमें एक तो है कि मैं सिंपल सिनेरियो आपसे डिस्कस करूं कुछ, और एक है कि हम ज्वाइंट प्रोडक्ट पढ़ने क्यों जा रहे हैं। सवाल ये है ज्वाइंट प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ने लगे हैं, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इसका क्या लिंक है, थोड़ा इस पर भी मैं बात करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको क्यों पढ़ने लगे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या ख्याल है? लें जी, मैं थोड़ा बड़े आपको बेसिक आइडिया देता हूं बेटा कि ये चीज जनरेट कहां से हो रही है और क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा बड़े बेसिक आइडिया ले लें, फिर मैं आपकी एग्जाम या आपके बुक लेवल पे आ जाऊंगा कि इसमें क्या चीजें दी हुई। देखिए, हमने पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग, यार पढ़ा हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा जनाब, बिल्कुल पढ़ा। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि हम स्टेप वन करते हैं इनपुट। थोड़ा क्विकली से मैं रिव्यू देने लगूं आप। स्टेप वन में क्या करते हैं, हम इनपुट करते हैं और आउटपुट आ रही होती है। लाइक सपोज मैंने कितना इनपुट किया, सपोज मैंने 1000 का इनपुट किया, तो आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है? तो आउटपुट सपोज मेरे पास कोई लाइक कोई फिनिश गुड्स आ रहे हैं, कोई ना कोई फिनिश गुड्स, सपोज कोई 800 के फिनिश गुड्स कर लें, कोई नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, कोई 50 का नॉर्मल लॉस कर लें, कोई डब्ल्यू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी आ रहा है सपोज वो 100 का कर लें, कोई अब नॉर्मल लॉस भी आ रहा है सपोज 40 का वो कर लें, 10 का कुछ और कर लें कि वो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, या बाय प्रोडक्ट आ रही, चले बाय प्रोडक्ट है वो कर लें, चले। अब होगा क्या, स्टेप वन ऐसे होगा, स्टेप टू क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट निकलाएगा, वो आपको पता ही है, सिंपल हम टोटल कॉस्ट लेते हैं, उसको यूनिट से एक्सपेक्टेड आउटपुट हम डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप थ्री, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा हमारे पास, हम इनकी इवैल्यूएशन कर देंगे। स्टेप फोर में हम क्या करते हैं बेसिकली? हाँ जी, स्टेप फोर में क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं, लाइक ऐसा ही है। नहीं, प्रोसेस अकाउंट बन गया, एक प्रोसेस अकाउंट से बात समझ नहीं आ रही। यहां हम लिख देते हैं इनपुट, जो भी हमने इनपुट किया होता 1000 यूनिट्स है, उसकी वैल्यू जो जो वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास आउटपुट आ रही होती है। मैं कहता हूं 800 यूनिट्स फिनिश है, उसकी वैल्यू सपोज 42185 है। क्या वैल्यू इसकी? 42185 है। नॉर्मल लॉस कितना है? वो उसी तरह ही है, 50 का कुछ आ गया। अब नॉर्मल लॉस कितना, वो भी उसी तरह ही हमारे पास, कोई 50 का ये कर ले चले, कोई मेरे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस आ गया सपोज 100 का, वो भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू। ये बाकी सवाल वैसे के वैसे जो हमने पढ़ा हुआ है। अब बात कहां से शुरू होने लगी है, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी में वैसी की वैसी है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, कोई भी एक नई बात अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। तो अब होगा क्या, अब मसला ये है जनाब, सिनेरियो ये है कि ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है बेटा यहाँ पे, ये 800, ये एक यूनिट नहीं है, नहीं, इन 800 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ रही मेरे पास? 52185। तो यहां सवाल के अंदर एक क्लैरिफिकेशन दी हुई, यानी सवाल पूरा चल गया हुआ, पूरा आपने सॉल्व भी कर लिया हुआ,
आपने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, सिक्स, सेवन सारे स्टेप कर लिए आपने, लेकिन अब आपको एंड क्वेश्चन डिटेल दी हुई है, सवाल के एंड पे डिटेल दी हुई, क्या डिटेल दी हुई, डिटेल ये दी हुई कि 800 के अंदर हमारे पास तीन प्रोडक्ट है, यानी इन 800 के अंदर एक प्रोडक्ट हमारे पास, एक प्रोडक्ट ए है, एक मेरे पास प्रोडक्ट बी है और एक मेरे पास प्रोडक्ट सी है। इस 800 के अंदर कितनी प्रोडक्ट है मेरे पास, इस 800 के अंदर मेरे पास तीन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। यानी इसकी और जस्टिफिकेशन मैं आपको देता हूं, नीचे आपको सवाल में डिटेल में दिया हुआ है, यू बताया हुआ कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है। अब यूनिट्स हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, यूनिट्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, 800 का वॉल्यूम 800 यूनिट्स हमारे पास। इस 800 में से प्रोडक्ट ए कितने यूनिट्स की है, 300 यूनिट्स की है, बी कितने यूनिट्स की हमारे पास, सपोज कर लें 280 यूनिट्स की बी है यार, सी कितनी मेरे पास, ये 220 यूनिट्स है, ऐड कर ले कितना बन रहा है हमारे पास 800 है। यानी आपको सवाल के अंदर अब डिटेल दी हुई, पहला सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं, स्टेप वन टू थ्री फोर सारे स्टेप लगा चुके हैं, लॉस टू आ चुके, सब कुछ आ चुका है। अब आपको आउटपुट की डिटेल दी हुई, ये जो 800 आपने फिनिश यूनिट बनाए हैं, इस 800 के अंदर जो आपकी जो वैल्यू आई है 5185, इसके अंदर तीन यूनिट हमारे पास। अच्छा, इसकी कंबाइंड कॉस्ट कितनी, ये क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे, ये कंबाइंड कॉस्ट ये दी हुई हमें, हमने कॉस्ट निकाल ली हुई, इनकी जो कंबाइंड कॉस्ट दैट इज 52185। यानी हमारे पास आउटपुट के अंदर तीन प्रोडक्ट है, इन तीन प्रोडक्ट के अंदर क्या है 52185 है इसकी टोटल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट इन तीनों प्रोडक्ट में हमने डिवाइड करना है, कि इसमें से निकालना चाह रहे हैं ये जो कॉस्ट है टोटल कंबाइन कॉस्ट 800 की कितनी है, ये 52185 रुपए है। इस टोटल कॉस्ट को हमने तीनों प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ए में, बी में, सी में, तीनों में हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे किया जाए, तो डिवाइड करने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास सेल वॉल्यूम मेथड या नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड। नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड क्या कहता है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड कहता है यूनिट्स की बेस पर कॉस्ट को डिवाइड कर ले। ये हमारे पास एक मेथड क्या है, सेल वॉल्यूम मेथड, पहला मेथड क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड, नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड है कि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पर हम कॉस्ट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट है कितनी, मैं प्रोडक्ट ए की कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए की मैं कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं यहां पे, तो प्रोडक्ट ए के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट 52185 टोटल कॉस्ट है, टोटल यूनिट्स कितने 800 यूनिट्स है, उसमें से प्रोडक्ट ए की कितने यूनिट्स है, प्रोडक्ट ए के हमारे पास 300 है, तो 300 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से प्रोडक्ट बी है बेटा, प्रोडक्ट बी इसको भी ऐसे करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है 52185 टोटल कॉस्ट है, टोटल यूनिट कितनी 800 है, बी के अपने यूनिट्स कितने हैं, बी के अपने यूनिट्स है 280 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्ट सी के लिए वर्किंग करने जा रहे हैं हम, प्रोडक्ट सी टोटल कॉस्ट कितनी है 52185 की टोटल कॉस्ट है, टोटल यूनिट्स कितने हैं 800 यूनिट्स है, सी के यूनिट्स कितने हमारे पास 220। तो हमने तीनों प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तीनों को सेल वॉल्यूम के बेस पे, यानी क्वांटिटी के बेस पे हमने डिवाइड कर लिए। हाँ जी, डिवाइड के क्या वैल्यू आई बेटा, हाँ जी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या वैल्यू आ रही। यानी प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। अब हमारे पास टोटल आउटपुट दी हुई, टोटल कॉस्ट भी दी, हमने पूरा प्रोसेस लगा दी। यानी आप हो सकता है पूरे एक सवाल के अंदर ये पार्ट आए, पहले पूरा हमने सवाल सॉल्व कर लिया, एंड में बताए कि जो फिनिश शूट आई इसके अंदर कैटेगरीज क्या है, तो ठीक है हम उसकी टोटल आउटपुट को उठा के
इन तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो एक मेथड है सेल वॉल्यूम मेथड कि टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे और हर एक अपने अपने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 19569, सो 19569 यहां पे आ गया। बी का कितना है मेरे पास 18265 आ गया और सी का कितना है 14351 आ गया। तो कॉस्ट को मैंने तीनों में डिवाइड कर लिया कि टोटल कॉस्ट कंबाइन कॉस्ट मेरे पास गिवन थी, मैंने कंबाइन कॉस्ट पकड़ी, कंबाइन इनके यूनिट्स पकड़े, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, हर एक अपने अपने यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट तीनों यूनिट्स में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई। सो टोटल कॉस्ट को मैं तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सेल वॉल्यूम मेथड कह लिया। ये सेल वॉल्यूम मेथड की बेस पे हमने कॉस्ट को यूनिट्स में हमने डिवाइड कर लिया। हाँ जी, इज इट डन, यहां तक बात समझ आती सबको, तो मसला यहां तक चले आगे, जरा चलिए आगे चलते हैं। अब हमें सेल वॉल्यूम की बात की जा रही है, सेल वॉल्यूम मेथड, ये था नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड, क्या सेल वॉल्यूम मेथड है ये। एक और मेथड हमारे पास है, इसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड भी बोलते हैं, सेल वॉल्यूम मेथड भी बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट मेथड भी बोलते हैं, जहां यूनिट सेम सेम होते हैं, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड करके हर एक से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स की बेस पर कॉस्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वैल्यू मेथड, सेल वैल्यू मेथड के कहते हैं कि हम कॉस्ट की बेस पे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। हो सकता है कि प्रोडक्ट जो ए है हमारे पास, प्रोडक्ट ए बेटा, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, अब इनकी सेलिंग प्राइस हमें सवाल में दी गई कि प्राइस, प्रोडक्ट ए मार्केट में सेल होती है 10 रुपए की, प्रोडक्ट बी मार्केट में कितनी सेल होती है 12 रुपए की, प्रोडक्ट सी मार्केट में कितनी सेल होती है 15 रुपए की। तो यार इसका मतलब यह है कि जिसकी प्राइस ज्यादा है वो प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा ही होनी चाहिए। प्रोसेस में प्रोसेस चल रहा है ना, कंबाइंड कॉस्ट लग रही है, तो जो वो प्रोडक्ट जिसकी सेल वैल्यू ज्यादा है, जिसको मार्केट में अच्छी प्राइस पे हम सेल करते हैं, उसका कॉस्ट का पोर्शन भी ज्यादा ही होना चाहिए, और जिसकी सेल प्राइस कम है उसका कॉस्ट का पोर्शन भी कम ही होना चाहिए, क्योंकि पर्सन में बनती तो कंबाइन है, तो कंबाइन के अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको कॉस्ट भी हम ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम सेल वैल्यू मेथड बना लेते हैं। तो सेल वैल्यू मेथड कैसे अप्लाई होता है, नई शीट पे चला जाता हूं मैं, तो हम उसके सेल वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, ए है बी है, देन प्रोडक्ट सी है, ये तीन प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट ए है बी है सी है, तीनों के यूनिट्स गिवन है 300, 280, 220, तो ठीक है ये इनके यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको इनकी सेलिंग प्राइस के साथ। तो कितनी प्राइस है, प्रोडक्ट ए की प्राइस कितनी है 10 है 12 है 15 है, तो 10, 12 और 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3000 आ जाएगा। जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा यार, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, जरा क्या आता है यार, 280 × 12 = 336, आप ठीक हो गया। इसी तरह से यार 15 को मल्टीप्लाई करें 220 से, अब हमने क्या किया, टोटल सेल वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट ए उसकी सेल वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट बी की सेल वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट सी की सेल वैल्यू क्या है, तो हमने क्या किया इनकी सेल वैल्यू निकाल लिया, सेल वैल्यू आ गई। तो तीनों की सेल वैल्यू को ऐड कर लें, टोटल सेल वैल्यू कितनी आ रही, तीनों की कंबाइंड सेल वैल्यू को ऐड कर लें, तो हमारे पास 9660 आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जिसकी सेल वैल्यू ज्यादा है उसको कॉस्ट भी ज्यादा हम अपोर्शन करेंगे। अपोर्शनमेंट पढ़ी ना हमने ओवरहेड के चैप्टर में, हम बिल्कुल अपोर्शनमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो दिस इज अपोर्शनमेंट, तो हम अपोर्शनमेंट यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं। हाँ जी, अपोर्शनमेंट यहाँ पे हम अप्लाई करें, तो क्या करेंगे, टोटल कंबाइंड कॉस्ट को हम तीनों प्रोडक्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो मेरे पास प्रोडक्ट ए है बेटा, प्रोडक्ट बी है और प्रोडक्ट सी है बेटा, ऐसा ही है। हाँ जी, तो क्या करेंगे यहां पे, टोटल कॉस्ट कितनी थी इस पूरे प्रोसेस की हमने वर्किंग की थी, ये 52185 ये वाली बेटा, दिस 52185 टोटल कॉस्ट को टोटल सेल वैल्यू से हम चला देंगे, तो 52185 टोटल कॉस्ट ली, टोटल सेल वैल्यू कितनी 9660
जीरो। प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू कितनी है बेटा? प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू निकाली 3000 है यार, तो 3000 से हमने चला दिया इसको, तो 3000 यहां पे हम पुट कर लेंगे। ऐसे ही यहां पे फिर टोटल कॉस्ट 52185, टोटल कॉस्ट ही, टोटल सेल वैल्यू 9660, ये टोटल सेल वैल्यू है। प्रोडक्ट बी इसकी सेल वैल्यू कितनी है? 3360, उससे फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3360। देन प्रोडक्ट सी बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी मेरे पास? टोटल कॉस्ट 52185, टोटल कॉस्ट है, टोटल सेल वैल्यू कितनी इनकी? 9660। और प्रोडक्ट सी की सेल वैल्यू कितनी? 3300, फिर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल कंबाइंड कॉस्ट लेंगे, कंबाइंड कॉस्ट लेके हम टोटल यूनिट से, हम टोटल सेल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, कंबाइंड कॉस्ट कितनी है और टोटल कंबाइंड सेल वैल्यू कितनी है, तो कंबाइंड सेल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और हर एक हफ्ते में सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ए की बेटा क्या कॉस्ट आ रही, जल्दी से बताए। हाँ जी, ए की क्या कॉस्ट आ रही? 16206 जनाब, तो 16206, देन हमारे पास 18151, देन बेटा 17290 या 827, चेक करें दोबारा यार, 17827 आई थिंक। तो क्या किया हमने यहाँ पे, टोटल कॉस्ट को टोटल सेल वैल्यू से, हमने टोटल सेल वैल्यू, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तीनों की प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, यूनिट्स गिवन है, उनकी प्राइसेस गिवन है, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू निकाली, प्रोडक्ट बी के सेल रेवेन्यू निकाला, प्रोडक्ट सी के सेल रेवेन्यू निकाला, तीनों के सेल रेवेन्यू को हमने ऐड कर लिया। तो टोटल कॉस्ट को टोटल सेल रेवेन्यू से डिवाइड करके हर एक अपने सेल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो कॉस्ट हमने डिवाइड कर ली इस तरह से। तो पिछला मैथड था सेल वॉल्यूम मैथड, ये है हमारे पास सेल वैल्यू मैथड। तो वैल्यू के बिहार से सबकी सेल वैल्यू निकाली, उसके बेस में कॉस्ट को अपोर्शन कर दिया। अब हम तीसरा मैथड पढ़ने लगे हैं, तो थर्ड मैथड इज कॉल्ड नेट रिलायबल वैल्यू मेथड, एनआरवी बेटा। एनआरवी कैसे निकालते हैं? यही अगर मैं सवाल पे जाता हूं, यही प्रोडक्ट है मेरे पास, इनकी सेल वैल्यू गिवन है। हाँ जी, इसकी नेट रिलायबल वैल्यू कैसे आएगी? एनआरवी क्या होता है? तू बताया मुझे, व्हाट इज एनआरवी, डिफाइन कर दे जरा। हाँ जी बेटा, एनआरवी आपने पढ़ा होगा एफआर वन में, टू में, नेट रिलायबल वैल्यू क्या होती है बताएं भाई? सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है ये। इन यू कह रहे कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, सेल रेवेन्यू सेल वैल्यू में से हम सेलिंग एक्सपेंस अगर माइनस कर दें तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि हमने कितना रियलाइज किया, हमारे पास नेट कितने आए, उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू का हम नाम दे रहे होते हैं। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या है एस्टिमेटेड, उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस हम माइनस करेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी, कि हमने कितनी वैल्यू रियलाइज की है, नेट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, देन वी हैव द नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब हमें यहां पे क्या होगा कि यहां पे तीन जो प्रोडक्ट से बेटे गिवन है हमारे पास, इनकी प्राइसेस तो गिवन है, इनकी एनआरवी भी गिवन होगी। इन सवाल के अंदर हमें कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस भी आपको गिवन है। तो कितना कितना गिवन है बेटा? तो सपोज कर लेते हैं, हाँ जी, इसका कितना है? 2 रुपीज है। इसका कितना है? 1 रुपीज है। इसका कितना है? 3 रुपीज है। चले, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नेट रिलायबल वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें एक और शीट ले देता हूँ यहाँ पे। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, तो प्रोडक्ट ए है, हाँ जी बेटा, प्रोडक्ट बी है मेरे पास और प्रोडक्ट सी है मेरे पास, 3 प्रोडक्ट है मेरे पास,
प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ए बेटा इसकी सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है, 10, 12, 15, 10, 12, 15, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है, 10, 12 और 15, 10 हमारे पास प्राइस गिवन है, 12 गिवन है और 15 गिवन है, ठीक हो गया। अब यहां से माइनस करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंस, तो कितना सेलिंग एक्सपेंस है, सो 2 है, 1 है, 3 है, 2 और 1 और 3, 2, 1 और 3, ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेचुरलाइज्ड वैल्यू होगी, 10 माइनस 2, 7, 8 आ जाएगा, 12 माइनस 1, 11 आ जाएगा, 15 माइनस 3 तो 12 आ जाएगा, तो ये क्या आएगी मेरे पास, नेचुरलाइज्ड वैल्यू, प्रोडक्ट ए की भी आ जाएगी, बी की भी आ जाएगी, सी की भी आ जाएगी, तीनों की हमारे पास नेचुरलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। अब इस एनआरवी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, कितने यूनिट्स के मतलब सवाल में हमें, प्रोडक्ट ए के बेटा 300 यूनिट्स हैं, बी के कितने हैं, 280 हैं, सी के कितने हैं, 220 है, ये तीनों मेथड मैं बता रहा हूं आपको, ये बात याद है कि मैंने सवाल शुरू कहां से किया, अभी चलो मैं वापस उस पर बाद में आऊंगा, 300, 280, 220, तो ठीक है, तो यहां इसको मल्टीप्लाई करें, 300, 280 और 220 मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो 300 को मल्टीप्लाई करिए 8 के साथ तो क्या आता है, 2400, 11 को मल्टीप्लाई करें 280 के साथ तो क्या आता है, हाँ जी 3080 बेटा, 3080 आ गया, देन 12 को मल्टीप्लाई करें 220 के साथ क्या आ रहा है, 2640 बेटा, तो ठीक होगा, तीनों को ऐड कर ले क्या वैल्यू आती, 8120, ठीक हो गया, 8120 पे आ गया, तो तीनों की कंबाइंड सेल वैल्यू आ गई मेरे पास 8120 बेटा, तो ठीक हो गया। अब तीनों की कंबाइन ये 8120 आ गया, इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे, मेरे ख्याल अब आगे आप कर लेंगे, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तो क्या करेंगे हम, कंबाइन कॉस्ट कितनी है सवाल में, 52185, तो 52185 टोटल कॉस्ट डिवाइड करेंगे इसको 8120, फिर इसी तरह से 52185 डिवाइड बाय 8120, फिर 52185 डिवाइड बाय 8120, अब मल्टीप्लाई कर लें इसको यार, इनकी अपनी अपनी एनआरई के साथ नेट क्लास वाली जो निकाली हमने, 2400 यहाँ पे 2400 है, तो मल्टीप्लाई विद 2400, दिस इज यहाँ 3080, ठीक हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 2640 है, 2640 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया, निकल आएंगे ना वैल्यू, आई थिंक आप सबके समझ आ गई, यहां तक मसला बेटा, यानी सेल वॉल्यूम मेथड क्या कहता है, हमें सेल वॉल्यूम मेथड ही कहता है, हाँ जी सेल वॉल्यूम मेथड बेटा क्या कहता है, कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे कॉस्ट को डिवाइड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट लें, टोटल यूनिट से आप डिवाइड करें, हर एक अपने रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल कॉस्ट को हमने टोटल यूनिट से डिवाइड कर लिया, दिस इज सेल वॉल्यूम मेथड। सेल वैल्यू मेथड क्या कहता है, कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी आपके पास आउटपुट आई है यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें, सेल वैल्यू निकालें और टोटल सेल वैल्यू ऐड करें, तो टोटल कॉस्ट को टोटल सेल वैल्यू के बेस पे हम अपोर्शन करेंगे, सेल वैल्यू के बेस पे। तीसरा मैथड हमारे पास एनआरई नेचुरलाइज्ड वैल्यू, वो क्या कहता है, कि टोटल कॉस्ट पे इसकी एनआरई निकाले, वो क्या होता है, इसकी हम सेलिंग प्राइस लेंगे माइनस सेलिंग एक्सपेंस लेंगे, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, तो मेरे पास क्या आएगी, एनआरई आएगी, नेचुरलाइज्ड वैल्यू, तो प्रोडक्ट ए की, बी की, सी की, तीनों की एनआरई आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स के साथ, तो तीनों की हमारे पास नेचुरलाइज्ड वैल्यू टोटल आ रही होगी, ठीक हो गया। तो कॉस्ट को हम फिर उसकी बेस पे हम टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरई की बेस पे हम अपोर्शन कर देंगे। सवाल हमें शुरू कहां से किया जनाब, बात शुरू कहां से की हमने,
बात शुरू हमने यहां से की है कि ये सब कहां पे हो रहा है। मैंने कहा कि हमने पहले प्रोसेस बना लिया था, हमने पूरा प्रोसेस, ये पूरे स्टेप मैंने बताया आपको कि ये स्टेप सारे हो चुके हैं, यानी ये स्टेप वन हम कर चुके हैं, स्टेप टू हम कर चुके हैं, स्टेप थ्री हम कर चुके हैं, स्टेप फोर हम उस अब आगे जाके सबसे एंड में जब प्रोसेस अकाउंट बनता है उसमें जो फिनिश गुड निकलती है, आउटपुट निकलती है, उससे आगे ये डिटेल है। बेसिकली ये डिटेल वहां से आगे है, लेकिन आपको जब वो टेस्ट करता है तो इतनी डिटेल में जाके टेस्ट वो नहीं करता, वो आपको स्टेट बताता है कि पूरे प्रोसेस की जनाब टोटल कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट आपको बता देता है, और टोटल कॉस्ट बता के आप कहते हैं जनाब इस अब हमारे पास इस प्रोसेस में तीन प्रोडक्ट आ रही है। वो हमें यू कहते हैं कि इस प्रोसेस जनाब तीन प्रोडक्ट आ रही है उसके पास, और तीन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आगे वो शुरू हो जाता है कि तीन प्रोडक्ट हमारे पास टोटल आ रही है इस प्रोसेस से, और तीन प्रोडक्ट से हमें जनाब आगे प्रोडक्ट ए यूनिट्स ये हैं, बी के यूनिट्स ये हैं, सी के यूनिट्स, टोटल यूनिट्स आपको दे देगा, वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट कर ली हुई ऑलरेडी, अब आपने कैसे कॉस्ट को डिवाइड करना है, इन टोटल कॉस्ट को कैसे डिवाइड करना है, हमने तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड है, सेल वैल्यू मेथड है, और एनआरवी मेथड है, इन तीन मेथड की बेस पे कॉस्ट को यहाँ पे अपोर्शन करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक कोई मसला बेटा, कोई सवाल? सबने रोजा तो रखा हुआ ना, मुझे लग रहा है सो रहे हैं यार। इज इट क्लियर? चलूं आगे? क्यों जी, दो मिनट डे लें, चले यार रोजा रखा हुआ आप भी कहते होंगे साथ जल्दी जा रहे, दो मिनट डे लें। अच्छा ये जो हसन है ये बहुत तेज है यार, चले दो मिनट लें, थोड़ा ब्रेक ब्रेक लाइक थोड़ा एक मिनट रेस्ट ले लें, मैं आगे फिर चलते हैं आगे। अच्छा ये तो ज्वाइंट प्रोडक्ट से हमने सारी डिस्कशन कर ली, अब हम बाय प्रोडक्ट पे आएंगे, बाय प्रोडक्ट करते ही हमारा चैप्टर खत्म, फिर हमें इसके सवालों पे आ जाएंगे। ऐसे रोजे का यार रमजान का पूरा महीना ऑफ ही होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? हाँ जी क्या ख्याल है? सुभान करे, नो सर। अच्छा जी इमरान खान, नो सर, पूरा रमजान ऑफ हो, आप खूब अल्लाह की इबादत करें, एक महीना साल में अल्लाह के लिए बात की जगह नो के बाद क्लास होनी चाहिए। अच्छा अफतारी के बाद क्लास होनी चाहिए, अच्छा जी है। आई क्या आपके पेपर टाइम पर ही होने? जिंदगी तो टाइम पे चलती रहनी है यार, इसने नहीं रुकना जल्दी। आई क्या आपके पेपर क्या रमजान आ गया तो रमजान के अंदर भी आपके पेपर ले लगा, आई क्या क्या मैं बक्स छोड़ देना किसी को? ईद वाले दिन भी पेपर हो जाता है, बिल्कुल ना वैसे ही होता है। एटलीस्ट सैटरडे ऑफ होना चाहिए यार, सैटरडे की ऑफ होना चाहिए, संडे भी ऑन करते हैं, आपने कौन सा कुछ करना है? अच्छा जी ये सैटरडे ऑफ हुआ नहीं, मैं संडे भी ऑन करने वाला हूँ, रमजान में टाइम तो होता नहीं है, तो हल्की हल्की हम वो साथ साथ स्टडी करते जाते तो ये बात भी चल रही होती है। सर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस और पास पेपर्स ना आप अभी करते हैं, चैप्टर ना खत्म कराऊं सीधा उस पर चला जाओ, अभी खत्म करते हैं इसको, तो फिर हम क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं, उसमें कुछ पास पेपर भी होंगे, कुछ ये चीजें भी होंगी। ठीक हो गया जनाब, लें जी अब आगे चलते हैं।
अब मुझे बता देना, अब हम बाय प्रोडक्ट को हम कैसे ट्रीट करते हैं? तो बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3-4 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे आई थिंक उसने 2 या 3 मेथड ही डिस्कस किए होंगे, इससे ज्यादा नहीं किया होगा बाय प्रोडक्ट को। हेलो, तो 3 मेथड ही हमारे पास होंगे, देख लेते हैं क्या होता है 3 मेथड्स। एक तो मैथ ये है, अच्छा बाय प्रोडक्ट क्या है जनाब, यहां पे मैं बात कर लेता हूं, इसी स्टोरी के अंदर ही हम इसको डालते हैं। पहले हो क्या रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है मेरे पास यार, यहां मैंने क्या कहा कि कुछ यूनिट्स मेरे पास बाय प्रोडक्ट के आ रहे हैं। चले अब मैं फिलहाल यहां बात कर रहा हूं कि ये जो 800 है ना, 800 में से बात करता हूं, चलो 800 में से कुछ मेरे पास बाय प्रोडक्ट है। कैसे जनाब, वो इस तरह यहां कर लेते हैं, यहां मैं कह रहा हूं मेरे पास ये यूनिट्स, ये 300 नहीं है, ये 200 है, ठीक है, और एक मेरे पास प्रोडक्ट एक्स है, क्या है प्रोडक्ट एक्स 100 की, वो क्या है, वो बाय प्रोडक्ट है, 100 की प्रोडक्ट मैंने आपको दे दी, 100 यूनिट्स हैं और वो क्या है, वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब उनकी सेल वैल्यू कितनी है, उनकी सेल वैल्यू है 1 रुपी, 1 एक यूनिट 1 रुपए का सेल हो गया था, तो 100 यूनिट्स है तो 100 यूनिट्स कितने के सेल हो जाएंगे, 100 रुपीज के। बाय प्रोडक्ट की सबसे पहले हम गाड़ी निकालेंगे, तो बाय प्रोडक्ट्स क्या है, वो भी ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ही हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह वो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन उनकी स्क्रैप वैल्यू होती है, नहीं उनकी सेल वैल्यू बहुत ही लो होती है, अच्छा तो इसकी इनकी सेल वैल्यू हमारे पास होती है। हसन कह रहे हैं कि वो 1.5 आवर वाली क्लास में है, सैटरडे तो ऑफ करना है, अच्छा अब कर लेंगे, अभी नहीं यार, असल में आपके ऑफ ऑफ भी तो आ जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा करता हूँ मैं उसको, और छुट्टियां आ जाती हैं, खैर अभी आगे जाके कर लूंगा, अभी मैं एक बार सिलेबस सेट कर लूंगा। अच्छा तो यहाँ क्या बात की जा रही बेटा, बाय प्रोडक्ट हमारे पास उसकी वैल्यू निकाली, बाय प्रोडक्ट कितने हमारे पास 100 यूनिट्स है, एक यूनिट कितना है 1 रुपए का, तो मल्टीप्लाई कर लिए कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 100 रुपीज आ गई, तो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100 रुपीज, यानी 100 यूनिट्स है, एक यूनिट 1 रुपए का है, तो 100 रुपए मेरे पास आ गया। अभी 100 रुपए को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है हमारे पास। एक तो ट्रीटमेंट ये है, यानी मैं जो ट्रीटमेंट्स की बात करूं इसकी, यहां लिख देता हूं मैं आपको पहले, चलिए यही लिख लेते हैं इसके एंड पे, इसको बाय प्रोडक्ट हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं जी, बाय प्रोडक्ट हमारे पास बाय प्रोडक्ट है, उसमें 100 यूनिट्स है, एक यूनिट 1 रुपए का है, तो मल्टीप्लाई किया तो 100 रुपीज आ रहा है, इन 100 रुपीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं आप, तो 100 रुपीज को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो 100 रुपीज को ट्रीट करने के लिए एक तो मैथड नंबर 1, एक मैथड ये है कि हम इसको क्या करें, अपनी कॉस्ट में से जाकर डिडेक्ट करें, डिडेक्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट, यानी क्या कर ले, तो मैं इसे कॉस्ट कम, जैसे नॉर्मल लॉस को हम ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक द नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस के तरह इसकी वैल्यू में टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा, तो क्या करूंगा, अगर यहीं पे बात करूं मैं, तो यहां टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, यहां मेरे पास कॉस्ट आ रही है 1, ये 5 to 185 था, ये बेटा ये था, यहां से हम 100 रुपया माइनस कर लेते हैं, 5 to 185 में से 100 माइनस किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 to 085 आ जाएगा, ठीक हो गया, यानी टोटल कॉस्ट ली, टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू ऑफ द, हम यहाँ पे जस्ट लाइक द स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस माइनस करते, ऐसे ही हम बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू ही होती है, तो वो माइनस कर लेंगे, कि टोटल कॉस्ट लेंगे, इसमें हम बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, तो टोटल कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की वैल्यू हम माइनस कर लेंगे, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास 5 to 185 है, उसमें से 100 माइनस किया तो रिमेनिंग क्या आ रहा है, 5 to 085 आ जाएगा, तो 5 to 185 में से 100 माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, 5 to 085 जो रिमेनिंग आएगा, इसको हम यहां पुट करेंगे, यानी अब मैं ये वैल्यू लूंगा, इसको मैं यहां पे पुट करूंगा, ये इसको यहां पे, ये और इसको ही आगे हम यहां पे, ये यहां पे इसको यहां पे पुट कर रहे हैं, इसको यानी टोटल कॉस्ट में से हमने क्या किया है, हमने यहां पे वर्किंग की, तो बाय प्रोडक्ट कितने यूनिट से, उसकी वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई किया, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के उसको कॉस्ट में माइनस कर दिया, अब हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी,
तो ठीक है, ये इसका मतलब कि बाय प्रोडक्ट क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट कम कर देंगे, तो कॉस्ट हम कम कर देंगे, तो ये जो कम वाली कॉस्ट होगी बाकी तीनों प्रोडक्ट में, ए में, बी में, सी में, ये तीन प्रोडक्ट की, टोटल चार प्रोडक्ट थी ना हमारे पास, ए थी, बी थी, सी थी और एक्स थी। मैंने एग्जाम्पल थोड़ी चेंज की, मैंने कहा मेरे पास चार प्रोडक्ट है, तीन मेरे पास ज्वाइंट प्रोडक्ट है, एक मेरे पास बाय प्रोडक्ट है, तो बाय प्रोडक्ट की मैंने वैल्यू निकाली, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के टोटल कॉस्ट में से मैंने इसको माइनस कर लिया, तो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू की जब टोटल कॉस्ट में से मैंने माइनस किया तो टोटल कॉस्ट मेरे पास क्या होगी, कम होगी। जब टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी तब कम वाली कॉस्ट ली, इसको मैंने डिवाइड किया, कम वाली कॉस्ट ली मैंने, अब इनको अपनी अपनी इनके, अब इसी तरह हम सेल वैल्यू मैथड या नंबर ऑफ यूनिट्स मैथड या एनआरवी मैथड, वही मैथड वही रहेंगे, अप्लाई करके हम कॉस्ट को इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। तो बाय प्रोडक्ट क्या करेगी हमारी, एक तो मैथड ये कि हम इसको कॉस्ट में से डिटेक्ट कर लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट मैथड, तो हम कॉस्ट में से क्या करें, इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा जी, सेकेंड मैथड क्या है, बाय प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिए, दूसरा ये प्रोडक्ट हम इसको प्रोसेस में ना छेड़े, हम सिंपल हम अपनी इनकम स्टेटमेंट जो बना रहे होंगे रेवेन्यू में जाके इसको एड कर दें, एक ये मैथड। जब रेवेन्यू, अब पूरा प्रोसेस अकाउंट जब हम यहाँ बना रहे हैं बेटा, तो हम रेवेन्यू यहाँ क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, तो बहरहाल अगर मैं कोई इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ कि सेल मेरी कितनी है, तो सेल में प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, उसके यूनिट्स, उसकी प्राइस, उसकी सेल लिख रहा हूँ, तो जाके उसमें मैं इसका भी 100 एड कर दूंगा, यानी मैं अपनी बाकी प्रोडक्ट की सेल जहां भी रिकॉर्ड करता हूँ जिस इनकम स्टेटमेंट के अंदर, उस इनकम स्टेटमेंट में सेल के कंपोनेंट में जाके मैं इसकी सेल रेवेन्यू एड कर दूंगा। तो दिस इज वन मोर मेथड कि हम इसकी इसकी हम क्या करें, इसकी प्राइस को, इसकी वैल्यू को हम इनकम स्टेटमेंट में जाके अपने सेल की फिगर में जाके इसको हम ऐड कर लें। अगर सेल की फिगर में जाके इसको हम ऐड कर लेंगे तो सेल की फिगर हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी नाम, ठीक हो गया। एक ये मेथड है हमारे पास, देन हमारे पास एक और मेथड है, हम इसको सेल में भी ट्रीट ना करें, हम इसको अदर इनकम ट्रीट कर दें, अदर इनकम, पता ना इनकम आपको, सेल पर लिखते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या लिखते हैं आप, अदर इनकम। तो पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप एज अदर इनकम इसको मेंशन करें, अदर इनकम के तौर पर इसको शो कर लें, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप अदर इनकम के लिहाज से इसको आप ट्रीट कर दें, शो कर दें यहाँ पे, हाँ क्योंकि ये बात समझ आती, यहां तक कोई इशू। तो दीज आर द थ्री मैथड्स टू ट्रीट द, हमारे पास ये तीन मैथड्स होते हैं, एक तो हम इसको कॉस्ट में से जाके माइनस कर लेते हैं, एक हम इसको अपनी सेल्स में जाके ऐड कर लेते हैं, और तीसरा इसको हम एज ए अदर इनकम शो कर देते हैं। तो ये हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, सेल्स में जाके ऐड करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जाके ऐड होगा, अदर इनकम शो करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में आएगी, दो चीजें इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो उसमें होगा, यहां नहीं होगा, डायरेक्ट फ्रॉम द कॉस्ट, ये अगर हम करते हैं तो फिर हम कॉस्ट में से उसको माइनस करते हैं, अदर इनकम ऐड करनी है ना, अदर इनकम के तौर पे शो करें, अगर अदर इनकम है ही नहीं तो अदर इनकम के तौर पे शो करते, अगर अदर इनकम ऑलरेडी है तो उसमें जाके उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। इज इट डन, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, जब स्टडी टेक्स्ट पे आते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी और फिर इसको खत्म करेंगे। ये सवाल है, इस सवाल को देखेंगे, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स के लिए नाम जल्दी से बेटा सब लोग, क्या एक मिनट ब्रेक लेनी, आप एक मिनट थोड़ा रेस्ट करके एक मिनट लें, फिर
उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे जल्दी जल्दी। सवाल को देखें सब लोग, हाँ जी बेटे इसने पढ़ लिए ना, आपको मसला यार। अब देखिए यूनिट्स हमारे पास 500 यूनिट्स हैं और 300 यूनिट्स से दो प्रोडक्ट हैं, 800 टोटल यूनिट्स आ रहे हैं। टोटल कंबाइंड कॉस्ट इस परसेस में दे दी मैंने, वैसे जो एग्जांपल ली थी उसमें मैंने नहीं दी थी आपको, हमने खुद निकाली थी। ये टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट ली हमने, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड किया, हर एक यूनिट से मल्टीप्लाई की कॉस्ट डिवाइड होगी, डिवाइड करके हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस में ये चीजें थी हमारे पास। इज इट डन? अब इसी को आपने सेल वैल्यू मैथड से करना है यार, आपको सेलिंग प्राइस भी दी हुई इनकी। अब फिर देखें जरा, प्रोडक्ट ए है बी है, दोनों प्रोडक्ट देखें, वन है टू है, इसकी प्राइसेस भी गिवन है, यूनिट्स को प्राइसेस मल्टीप्लाई करें सेल वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए हाथ से देखें जरा, सेल वैल्यू मेथड हाँ जी बेटा सबने कर ली एग्जांपल, सबको समझ में आ गई बात? इज इट डन? गुड, आगे चलते हैं जल्दी। ले जी अब ये सेल वैल्यू, अब एनआरवी मेथड दिया हुआ है उसी तरह से, सेलिंग प्राइस माइनस वो करके, ये सेलिंग प्राइस दी हुई आपको, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस किया हुआ, एनआरवी निकाली हुई, एनआरवी निकाल के उस एनआरवी को मल्टीप्लाई किया उस सेल यूनिट्स के साथ, सेलिंग प्राइस ली माने सेलिंग एक्सपेंस लिया, एनआरवी आई, नेट रियलाइज्ड वैल्यू आई।
हाँ जी डन, ठीक हो गया। बाय प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं जनाब, इसके बारे में हमने स्टोरी भी पढ़ी, वो सारी बातें दी हुई यहाँ पे, डन हो गया। और बाय प्रोडक्ट को हमने कैसे ट्रीट करना, अब ये सवाल देखेंगे ना आप, आसानी से आप कर लेंगे, नो इश्यू विल बी देयर। डिब्बा सा पता नहीं क्या आ रहा है यार, तो ये सवाल देखेंगे ना, एनआरबी मेथड लगा के और कैसे ट्रीट करना है, देख लें उसको बेटा, आराम से सवाल तसल्ली से पढ़ें। प्रोसेस कॉस्टिंग के ना बुक में सवाल ये अच्छे बने हुए थे, प्रॉपर थे, इसलिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने बुक से सारी एग्जांपल टेक्स्ट जरूर करवाई, क्योंकि मुझे आइडिया है इसमें ये चीजें ज्यादा अच्छी बनी हुई, यानी अगर आप सही तरह से, ये टेक्निकल थिंग्स हैं, अगर टेक्निकली आपने चीजें सारी समझ ली है, अब सवाल जैसा मर्जी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी पास पेपर पे आएंगे लेकिन देखेंगे आप स्टेप बार बार वही लगा रहे होंगे, तो वही जो इन एग्जाम्पल हम स्टेप लगा लगा के इनको सॉल्व कर रहे थे, वही स्टेप लगा के हम सॉल्व कर रहे होंगे बाकी एग्जाम्पल्स को भी। हाँ जी, सवाल में क्या चल रहा है, टोटल कॉस्ट दी हुई आपको, आपको टोटल कॉस्ट इस सवाल में दी हुई बेटा, पहले पहले आराम से पढ़ लेंगे, मैं जल्दी नहीं करता आपको, पढ़ ले पहले आराम से। सबको ये सवाल समझ में आया, प्रिंटिंग मिस है, प्रिंटिंग मिस नहीं है यार। अच्छा खैर,
मैं बता दूंगा टोटल कॉस्ट दी भी सिंपल, आपको ये टोटल कॉस्ट दी हमने, बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स लिए मल्टीप्लाई किया इसको माइनस कर लिए टोटल कॉस्ट, रिमेनिंग ये कॉस्ट आ गई, रिमेनिंग कॉस्ट हमने ये ली और अब हमने एनआरवी मेथड लगाया, एनआरवी मेथड लगा के इनकी सेल वैल्यू निकाली, टोटल कॉस्ट को पकड़ा हमने और उसको इसको हम डिवाइड कर रहे थे। यार ये थोड़ा मसला आ रहा है, अब देखें अब आपको समझ आ रही होगी। दिस इज हाँ वो थोड़ा मसला है इसमें हो रहा ना, वो एक बॉक्स है यहाँ पे ना, ये एक बॉक्स है बेटा, ये नहीं थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला बॉक्स, तो कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ लिख रहा हूँ ये लिखा जा रहा है, यहाँ नहीं लिखा जा रहा, थोड़ा मसला होता है वाइट में कुछ समझ रहा, थोड़ा मसला है। अच्छा जी यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इज इट डन? क्यों जी ये सवाल देखिए ना, अब इसमें बाय प्रोडक्ट और ज्वाइंट प्रोडक्ट दोनों है हमारे पास। अब यहां वो कह रहा है कि आप हमने बाय प्रोडक्ट को कैसे ट्रीट करना है, हमने इनकम स्टेटमेंट लेके जाना है, क्या कहना है हमने इसको अदर इनकम ट्रीट करना, चलो यूं कर लें आप अदर इनकम, अगर अदर इनकम ट्रीट करें तो कैसे होगा, ये सेल वैल्यू ट्रीट करते कैसे होगा, दोनों को ट्रीट कर सकता है, इसको देख लीजिए सब लोग, इसको देखेंगे हाँ जी, इसमें क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट एक्स एक्स वाई वाई दो प्रोडक्ट है, इसी तरह से हम इस पॉइंट पॉइंट ऑफ सेपरेट क्या मतलब, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेट का मतलब है कि जब हम इसको अलग अलग करते हैं, यानी ऐसा पॉसिबल होता है समटाइम, यानी हमारे पास एक प्रोसेस चल रहा होता है बेटा, देखिए जरा ये एक प्रोसेस है, यहां एग्जाम्पल देता हूँ, यहां आ जाते हैं, देखिए बेटा बात है, एक प्रोसेस है, दिस इज व्हाट, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम कुछ मटेरियल इनपुट करते हैं, कुछ लेबर इनपुट करते हैं हम इसमें,
कुछ ओवरहेड्स हम इंक्लूड करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, हम सब कुछ इस प्रोसेस में हम इंक्लूड करें। ये प्रोसेस हमें क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। ये प्रोसेस हमें प्रोडक्ट ए दे रहा है, प्रोडक्ट बी दे रहा है, प्रोडक्ट सी दे रहा है, तीन प्रोडक्ट दे रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस पॉइंट पे जाके हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, जिस पॉइंट से पहले हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये वो पॉइंट है, इससे पहले हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इस पॉइंट के बाद हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी एक पॉइंट ऑफ सप्लीशन आता है, यानी अगर साबुन और ग्लासिन कंबाइंड बनते हैं तो पहले वो प्रोसेस चलता रहता है, कंबाइंड बनते रहते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जाके हम साबुन को अलग कर लेते हैं, सोप अलग हो जाता है, ग्लासिन अलग हो जाती है, उस पॉइंट से पहले हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट पर हम इसको अलग करते हैं, उस पॉइंट पे सपोज इसके यूनिट्स कितने हैं, 1000 है, इसके 2000 है, इसके 500, उस पॉइंट पे इसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपए है, इसकी प्राइस कितनी है, 5 रुपए है, और इसकी 5 रुपए, और ये कितना, 15 रुपए का है। अब हो सकता है इस पॉइंट के बाद मैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी कर दूं, प्रोडक्ट ए है, मैं इसको फौरी सेल नहीं करता, मैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता हूं, किसी और प्रोसेस में डालता हूं, इसकी और रिफाइनरी करते हैं, और डेकोरेशन करते हैं, और चीजें ऐड करते हैं, तो इसकी सेलिंग प्राइस और बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो बताता है कि जिस पॉइंट पे हमने सेपरेट किया था, उस पॉइंट पे इसकी प्राइस ये थी, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बाद में इंक्रीज कर जाए फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से, तो बाद में फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से हो सकता है ये इंक्रीज कर जाए, लेकिन जिस पॉइंट पे हमने इसको सेपरेट किया, जिस पॉइंट पे हमने इसको अलग अलग किया, उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये थी, तो उस दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट के नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो वो एक पॉइंट हमें बता देता है, जिस पॉइंट पे हम इसको अलग कर सकते हैं, जिस पॉइंट से पहले अलग नहीं हो सकता, और जिस पॉइंट पे जाके हम इसको अलग अलग करते हैं तमाम प्रोडक्ट्स को, और उस पॉइंट पे हम इसकी सेल वैल्यू फिर निकाल देंगे, सेल प्राइस क्या थी, क्योंकि उसके बाद भी प्राइस इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि उसके फर्दर प्रोसेसिंग करके बाद उसका कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसको फॉरी सेल नहीं करते, उसके फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, फर्दर और रिफाइनरी करते हैं, फिर जाके उसको मार्केट में हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात, यहां पर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, यहां तक डन। इस सवाल में कोई मसला याद देख लेंगे, इसको वर्ड्स देख लीजिएगा। यहां पे क्या किया है हमने, यहां पे हमने क्या किया है, हाँ जी जनाब, हमने एक प्रोडक्ट, अब यहां सवाल में ये कहा जा रहा था कि 80% प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो गई है, तो सवाल अगर आप देख लेते तो सवाल में ये कहा जा रहा है बेटा कि मार्केट में ये प्रोडक्ट 80% क्या होगी, सेल हो गई, ये बता दिया सवाल में कि 80% ऑफ द प्रोडक्ट और बोथ एक्स एक्स एंड वाई वाज डिस्पोज्ड बाय द मंथ एंड, इन तमाम प्रोडक्ट्स का जो 80% है वो क्या हो गया, हमने सेल कर दिया है। 80% का मार्केट में हमने क्या किया है, सेल कर दिया है। तो हमने क्या किया, इनके यूनिट्स लिए कि प्रोडक्ट एक्स एक्स यूनिट्स कितने हैं, वाई वाई यूनिट्स कितने हैं, इनकी प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया, अब टोटल, अब इसके 80% का रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू आ गया। अब इनकी कंबाइन कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 99,000 की कंबाइन कॉस्ट, उसमें से हमने क्या किया है, उसमें से हमने 20% ऑफ द वो जो कंबाइन कॉस्ट थी वो हमने माइनस कर दी, रिमेनिंग कॉस्ट आई, प्रॉफिट आ गया। दिस इज अ थिंग, कोई मसला यहां तक। बट इफ अगर आप इसमें देखें, अभी एक नया सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में बेटा देखिएगा जरा, यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हमने इसकी कंबाइंड सेल वैल्यू निकाली है। पिछले प्रोसेस में मैंने क्या किया था, उसको मैंने वहां कॉस्ट में से माइनस कर दिया, देख लेना था यार क्या हो गया, यानी यहां इस सवाल में क्या हुआ था, इस सवाल में ये हुआ था बेटा, हमने उसकी सक्राय वैल्यू निकाली, कितनी सक्राय वैल्यू, बाय प्रोडक्ट कितना था, ये बाय प्रोडक्ट था 1000 का, 1000 का बाय प्रोडक्ट था, और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू 1 थी, तो मल्टीप्लाई 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया, तो 1000 को हमने कॉस्ट में से माइनस कर लिया।
ठीक है कॉस्ट में से हमने माइनस कर ली, कॉस्ट क्या होगी कम होगी हमारे पास, ओवरऑल कॉस्ट हमारे पास 1 लाख से ये 99,000 पे आ गई, टोटल कॉस्ट 1 लाख की थी, 99,000 को हमने टोटल दोनों में डिवाइड कर दिया। जब 99,000 को दोनों में डिवाइड कर दिया तो इनकम स्टेटमेंट सिंपल ही बनेगी, ठीक है सेल लिखा हमने, अब इसकी कॉस्ट लिखी 90% कॉस्ट, अभी 80% सेल हुआ, 20% अभी हमारे पास स्टॉक नहीं रहा था, 20% वो स्टॉक वाला माइनस कर लिया तो मेनी वैल्यू आ गई, सेल में से वो माइनस किया तो हमारे पास इस तरह से प्रॉफिट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ठीक होगी बात, यहां तक डन हो गया जनाब, इस तरह से हमने ये प्रॉफिट निकाल लिया। अब आगे हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे, दिस इज यहां तक आ गया, अब हमें क्या कहा जा रहा है, अब हमें ये नहीं कहा जा रहा हम कॉस्ट में से माइनस नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेटा क्या कर रहे हैं इसको, अब हम इसको यहां पे अदर इनकम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज इफ, अगर हम क्या करते हैं बाय प्रोडक्ट को अदर इनकम के तौर पे ट्रीट करते तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके सामने फिर हम इसको कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, फिर इसी तरह की बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी चलती रहेंगी, कोई नई बात नहीं होगी, सेल कॉस्ट सब, लेकिन अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जाके हम इसको अदर इनकम के तौर पर यहां पर हम शो कर रहे होंगे। देखिए इस एग्जाम्पल को देख लेने का, फिर मुझे बताइएगा कुछ मसला है कि नहीं, ये आपके सामने एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा यहां तक क्लियर है, इज इट डन, सबको बात समझ आ गई बेटा, हाँ जी बेटा बात सबको समझ आ गई यार, इज इट डन, आई थिंक सबको समझ आ गई बात, सबको समझ आ गई यार, क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन बैंक पे आ रहा मैं,
क्वेश्चन बैंक पे कहाँ बताना जी प्रोसेस। आई थिंक सो क्वेश्चन 7.1 हमने कर लिया था, बिल्कुल किया था हमने। 7.2 भी हमने किया था, 7.3 मैंने करने को दिया था और आप लोगों ने शायद कर लिया था, ये हो गया था आपसे। कॉस्ट पर इक्वल आसान ही था, और आई थिंक ये भी मैं डिस्कस कर लिया था कि 70% प्रोसेस डन, ये भी मैंने करवा दिया था आपको। 7.4 में बताए यार मतलब यहां से बात शुरू करते, 7.4 से ये 7.4 में कोई मसला है। सबने डन कर लिया। हमजा सलीम कहते नहीं किया, तो कर लो यार, हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने आपको सवाल करवाया था डिक्टो वैसे ही है यार, ये मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये है भी पास पेपर का, यानी हमारे पास उसमें जो स्टडी टेक्स्ट है, हमारी जो है प्रैक्टिस बुक है, उसमें भी है ये। यस क्लियर डन 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 डन, इसका मतलब ये हो गया ये सवाल, ऐसे ही इसका मतलब है। अच्छा अब आपने क्या करना है यार, अगर ये सवाल हो गया है डन तो आगे चलते हैं। आप अब आपने एक तो क्वेश्चन कुछ नोट कर लें, 7.1, 2, 3, 4 चारों ने कर लिए हैं। 7.6 यार नोट कर लें इसको, 7.6 एक आपने ट्राई करना है, 7.7 आपने ट्राई करना है, 7.8 आपने ट्राई करना है। अच्छा कुछ क्वेश्चन मैंने करने के दिए थे आपको, मसला किसमें आया था मुझे बताएं जरा, किस सवाल में मसला आया था। 7.7 हो गया था, 7.6 प्रॉब्लम मुझे बताएं, 7.6 में मसला था, द प्रॉब्लम इज इन 7.6, एम आई राइट। ठीक है, इसका मतलब है 7.6 मैंने आपको करवा दूंगा। 7.7 करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, हो गया ना वो, ये बता देना, प्लान कर लूंगा। एक तो 7.6 मैंने आपको सॉल्व करवाना है, और कुछ क्वेश्चन में नोट करवा रहा हूं ना आपको भी। वेट जस्ट 1 मिनट, वेट। सेवन पॉइंट नाइन भी आपने करना है यार, नोट कर लेंगे। 7.6 में आपको करवा दूंगा, नो इशू। 7.9 एक आपने करना है, एक 7.9 कीजिएगा, और 7.10 नोट कर लेते, 7.9, 7.10, और हैंडबुक्स में एक आपको सवाल दूंगा मेरे पास होगा। अच्छा मैं अभी कुछ करवाऊंगा ना, फिर आपको करने को दूंगा आपको, फिर ये हैंडबुक से भी एक सवाल दूंगा। ठीक है, ये नोट कर लें आप।
अच्छा 7.11 भी नोट कर लें, 7.11 वो आपने करना है। फिर एक हैंडबुक से दो सवाल होंगे मेरे पास, चलो ये सवाल आज के लिए काफी है, जो जो मैंने बताया बस अभी वो करने हैं। सुभान बेटा, जो भी मैंने बताया ना वो करने हैं, पहले ये हो जाएंगे ना, बाकी भी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से सवाल बताए हैं, 7.5 कर लीजिएगा यार, क्वेश्चन बैंक्स में हो जाएगा, मसला नहीं आएगा आपको, 7.5 भी हो जाएगा, 7.6 में आपको करवा दूंगा क्वेश्चन बैंक से, 7.11 है मैंने एक आपको टिक करवाया, 7.11 आपने करना 11, फिर मैंने एक आपको 7.9 कहा है, एक आपने 7.9 टिक करवाया है, 7.9 आपने करना है, फिर 7.6 तो मैं करवा दूंगा ना, 7.8 मैंने आपको कहा है, 7.7 आपने कहा, हो गया 7.8, 5, 8, 9, 10, 11 डन यार। ठीक है, चलें ये सब सवाल आपने क्या करने हैं, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसको कि जहां जहां मसले आएंगे वी विल डिस्कस दैट, नो प्रॉब्लम। जितने सवाल ज्यादा करेंगे खुद ही समझ आती जाएंगी चीजें आपकी, ऐसे ही जैसे हमने किया होगा, नई बात नहीं है, कोई एक दो पॉइंट होते जो फंस रहे होंगे वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक हो गया, एनीथिंग एल्स? सो आज के लिए मेरा ख्याल काफी है जनाब, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो सर। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।